मैं प्रशांत सिंह फ्रॉम सुपर 90 क्लासेस आज आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ हूँ न्यू चैप्टर लेकर के विच इज बिलोंगिंग फ्रॉम द वेक्टर। स्टार्टिंग करते हैं गाइस हम लोग फर्स्ट टॉपिक से द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव जस्ट मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो श्योरली गाइज हम ये चीज देख सकते हैं द क्वांटिटी विच हैव जस्ट मैग्नीट्यूड कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी एंड द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव जस्ट मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव नो डायरेक्शन। बट अगर हम बात करते हैं गाइस डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स और स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होता है दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट से गाइस हम आते हैं वेलोसिटी में दैट इज आल्सो नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल से अगर हम फंडामेंटल गाइस यहां पे देखते हैं और हमें कोई कहता है कि वी हैव टू गो विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर टुवर्ड्स द लखनऊ, वी हैव टू गो With speed of 40 km per hour towards the Lucknow. तो अगर हमसे कहा गया this is scalar quantity or vector quantity, तो surely ये हमारे लिए एक vector quantity होगी because direction of Lucknow is settled or fixed from our position. हमारी position से direction of Lucknow जो है वो क्या है fix है। अगर हमें कहा गया कि कोई person south direction में जा रहा है एक फिक्स वेलोसिटी से तो बेटा डायरेक्शन आपकी ऐसी स्पेसिफाइड है सो दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो श्योरली अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस, स्पीड, वॉगडन, करेंट, energy and much more quantities which have just magnitude. Distance 5 meter, speed 10 kilometer per hour, mass 5 kilogram. ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी direction नहीं होती है। But vector quantities में क्या है, direction के साथ साथ magnitude भी होगा, means displacement, velocity, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क एटसेट्रा, ये सारी वैल्यूज जो है गाइस वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए होती हैं। तो वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जिनके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, नो स्पेसिफिक वैल्यू विथ डायरेक्शन, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। और जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी होगी वो आपकी कौन सी वैल्यूज होती हैं गाइस, वेक्टर। तो यहाँ पर हम वेक्टर एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं और वेक्टर के जनरल रिप्रेजेंटेशन पे गाइस वर्क करते हैं। वेक्टर में आपको जो न्यू पार्ट बताया जा रहा है वो क्या होगा, ध्यान दीजिए वेक्टर का सिंपल रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया जाता है एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेटेड बाई अ सिंगल एरो, इन दिस एरो द एरो हेड इंडिकेट्स अबाउट द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ एरो ऑलवेज इंडिकेट्स अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो सियोरली आप देख सकते हैं गाइज यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी मिल रहा है और ये आपके वेक्टर का एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। अब यहां पर आपको सिर्फ एक सिंपल सा फंडामेंटल जो जान लेना है गाइस वो ये, अगर आपको कहीं पर एक वेक्टर दिया गया वेक्टर ए और अगर आपको नेक्स्ट स्टेज में माइनस वेक्टर ए के बारे में बताया गया तो माइनस साइन का पूरी फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक फंडामेंटल होता है दैट इज अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर वेक्टर ए राइट
साइड में मूव कर रहा है तो surely वेक्टर माइनस वेक्टर a moves towards the left direction. आपका ये जो वेक्टर होगा ये राइट साइड में जा रहा है, surely ये वेक्टर आपका लेफ्ट साइड में गाइज मूव करेगा. यहाँ पर आपको ये फंडामेंटल्स बताएंगे. अब उसके बाद हम सीधे सीधे चल रहे हैं. अगर मोर देन टू वेक्टर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इफ मोर देन टू वेक्टर्स और टू वेक्टर्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ यू, देन हाउ कैन वी डिसाइड अबाउट द मैग्नीट्यूड और द रिजल्टेंट. यहाँ पर गाइस अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा फंडामेंटल आपको जो बताया जा रहा है, जो प्रैक्टिकल बेसिस पे एनालिटिकल आप कर सकते हैं. वी फर्दर पोस्टपोन द डेरिवेशन ऑफ दिस रूल बट वी मस्ट हैव टू कंसल्ट अबाउट दिस फार्मूला. अगर आपको यहाँ पर एक वेक्टर ए दिया गया एंड सेकेंड वेक्टर आपको बी दिया गया एंड आपसे कहा गया कि आपको रिजल्टेंट आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो श्योरली योर फार्मूला बिकम्स, यहाँ पर इस वैल्यू को गाइज हम थीटा मान ले रहे हैं एंड इस वैल्यू को गाइज हम अल्फा मान ले रहे हैं, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल गाइज थीटा है एंड अल्फा जो है वो रिजल्टेंट का एंगल है फ्रॉम वेक्टर ए. तो यहाँ पर गाइज जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा दैट मस्ट बी गिवन एज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. This is the resulting value. Means if two vectors are inclined at theta degree, then it will be your proper result. Further, हम इसके special cases पे अगर work करें guys, तो cases में आपको मिलेगा if theta equals to 90 degree. If theta equals to 90 degree, then this whole term becomes equals to 0 because cos 90 equals to 0. तो cos 90 के 0 होने पर गाइस आपका पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 एंड r becomes equals to under root a square plus b square. This is first case guys. Second case को हम लेकर के guys proceed करेंगे. तो second case में आपको बताया जा रहा है if theta equals to 0 degree. In that case if theta equals to 0 degree then cos 0 equals to 1 and this equation becomes equals to r equals to under root a square plus b square plus 2ab which is relative formula of under root a plus b whole square and on concluding with under root it becomes a plus b. When angle is 0 degree then the result becomes equals to a plus b. Now third case is given to all of you guys. Third case is when theta equals to 180 degree. When theta equals to 180 degree, then cos theta equals to minus 1 means theta equals to 180 degree, then cos theta equals to minus 1. अब यहाँ पर गाइस आपको जो फॉर्मूला मिलेगा r equals to a square plus b square plus 2ab एंड cos 180 की वैल्यू आपकी होती है माइनस वन, सो दैट इट बिकम्स माइनस वन एंड दिस होल वैल्यू कम्स आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड ऑन कॉन्क्लूडिंग दिस इक्वेशन दिस बिकम्स ए माइनस बी. आर की वैल्यू गाइज आपको मिल गई ए माइनस बी. यहाँ पर गाइज हमने इसके रिजल्टेंट पे वर्क किया, इनके न्यूमेरिकल्स को हम इसके बेसिस पे लेकर के सॉल्व करते हैं. बट अगर हम डिस्कशन करते हैं गाइज डिफरेंट पार्ट्स पे, तो डिस्कशन में आपको बताया जाता है एट विच एंगल रिजल्टिंग इज फॉर्म. आपसे पूछा जा रहा है कि किस एंगल पे रिजल्टेंट का फॉर्मेशन आपको मिलेगा, तो किस एंगल पे रिजल्टेंट का फॉर्मेशन मिलेगा इस चीज को हम डिस्कस करते हैं. तो डिस्कस करने पर आपको पता चलेगा गाइज यहाँ पे इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा देन श्योरली इट्स वैल्यू बिकम्स इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. tan alpha becomes equals to b sin theta. b की वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में आपको मिलेगी, a की वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में मिलेगी. this is b sin theta and this is b cos theta. guys यहाँ पर आपको ये एनालिटिकल मेथड से इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन के बारे में पता चला और इनका रिजल्टेंट
फाइंड करने का एक मेथड आपको पता चला। अब गाइस इसी वेक्टर की कुछ अदर प्रॉपर्टीज पे हम चल रहे हैं वर्क करने। यू मस्ट हैव टू वॉच हियर, आप बने रहिए हमारे साथ, हम इसके अगले पार्ट में प्रोसीड कर रहे हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया गया है किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। अगर आपको यहां पर कोई एक कोऑर्डिनेट दिया जाता है 2, 3, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी, और आपसे कहा गया कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है बेटा पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा, ओपी। और ये क्या होता है इसका पोजीशन वेक्टर बेटा। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ओपी। ओपी का मतलब क्या हो गया, इट कैन बी रिटन एज 2i कैप प्लस 3j कैप। सेकंड केस में आपको जो गाइस बताया जा रहा है, अगर आपको एक कोई अदर वेक्टर दिया गया q और इसके कोऑर्डिनेट्स बताए गए 3, 2, ठीक है, तो 3, 2 के केस में क्या हो जाएगा गाइस, यहां पे आप इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे दैट इज oq, और oq को क्या लिख सकते हैं गाइस आप, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये x का है और ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये y का है। तो हम ये देख लेते हैं गाइस, अगर आप किसी वेक्टर को लेकर के प्रोसीड कर रहे हैं तो श्योरली गाइस दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, देन along x axis i component is taken, along y axis j component is taken, and along z axis k component is taken, and these three are unit vectors along x axis, y axis and z axis. These three are unit vectors along x axis, y axis and z axis. तो हम यहाँ पर गाइस इसको लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप। यहाँ पर गाइस आपको ये इसके पोजीशन वेक्टर्स के बारे में पता चला। जब आप इस पार्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ PQ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ PQ, तो व्हाट इज मीन ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। तो गाइस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को पिक किया पी से क्यू तक के लिए, ठीक है, तो पी से क्यू तक के जाने में क्या होगा, क्यू की पोजीशन से पी की पोजीशन को माइनस करिए तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो उसी तरीके से जब आप P से Q पर जा रहे हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मींस OQ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P मींस OP। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो गाइस क्या मिलेगा आपको, यहां पर आपको OQ की वैल्यू रखनी है दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप, और साथ ही साथ में जब आप OP की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा -2i कैप, और माइनस के रीजन से यह भी माइनस हो जाएगा -3j कैप। गाइज इसको सॉल्व करने पर 3-2 की वैल्यू मिल गई आई कैप, और यहाँ पर आपको जो दूसरा सिंबल मिला दैट इज -j कैप। तो गाइज यहाँ पर आपको पी क्यू का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, यानी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू देन व्हाट विल बी इट्स रिजल्ट, आई कैप माइनस जे कैप। फर्दर गाइज इसको लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जो अगला पार्ट मिलता है दैट इज, अगर हमें क्यू पी के बारे में निकालना हुआ गाइस तो हम क्या करते हैं, तो इस बार हम क्या करेंगे, पी से क्यू तक जा रहे थे, अब की बार गाइस हम क्यू से पी तक प्रोसीड करेंगे। तो बेटा क्यू से पी तक प्रोसीड करने के लिए फाइनल पोजीशन हो जाएगी पी, तो फिर से ओपी माइनस ओक्यू कर देंगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हमने सिर्फ इनकी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करने पर गाइस क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको आपको मिलेगा ओपी की वैल्यू रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप, एंड योर रिजल्ट बिकम्स इक्वल्स टू 2-3i कैप माइनस i कैप एंड प्लस j कैप। अब गाइस अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए और इसमें से माइनस को कॉमन लेकर के आप देखेंगे तो इट बिकम्स -i कैप माइनस j कैप। यहां पर गाइस आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा और ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा।
गाइज यहाँ पर देखिए ये आपका जो हो गया, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इफ वी हैव टू फाइंड क्यूपी वेक्टर देन दैट इज नेगेटिव ऑफ द पीक्यू वेक्टर। यहाँ पर गाइज ये एक आपको इम्पोर्टेंट कंक्लूजन मिलता है, और ये आपका जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक बेसिक फंडामेंटल होता है। इसका एक बेसिक एग्जाम्पल हम पिक कर रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोसीड फ्रॉम कोऑर्डिनेट ए टू कोऑर्डिनेट बी। कोऑर्डिनेट ए गाइज आपको दिया गया 2-3.5, एंड बी का कोऑर्डिनेट गाइज आपको दिया गया 3-7-2। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ बी। आपसे कहा गया इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी मस्ट हैव टू फाइंड द पोजिशन वेक्टर। नाउ वी आर फाइंडिंग द पोजिशन वेक्टर ओ ए। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ वाई एंड दिस इज वैल्यू ऑफ जेड। नाउ वी कैन से 2i-3j+5। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना निकाल करके पहले गाइज पोजिशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ओ ए पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाई 2i-3j+5k। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी इज गिवन बाई ओ बी इक्वल्स टू 3i-7j-2k। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बेटा हमें क्या निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाई इफ वी हैव टू फाइंड द ए बी देन श्योरली फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन ओ बी माइनस ओ ए, OB minus OA. Then here we can put the different values. Value of OB is given by 3i+7j-2k। And OA की value बेटा minus के region से सभी के sign change होंगे -2i+3j-3k। जब आप इसे solve करेंगे तो आपको बताया जा रहा है 3-2 that is i, 7+3 10j, एंड -2-3-5k। तो गाइज यहाँ पर आपको जो चीजें बताई जा रही हैं वो ये हैं कि आपको यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये मिल गया। अब इसके बाद गाइज इसी का जस्ट अपोजिट पार्ट हम ले रहे हैं, दैट इज बी ए, इफ वी हैव टू फाइंड द बी ए। तो गाइज सिंपल सा फंडामेंटल, अगर हमने ए बी निकाल लिया तो हम इसी के साइन को रिवर्स कर देते हैं, हमें बी ए की वैल्यू गाइज मिल जाएगी। यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, i+10j-5k। गाइज आप बोलेंगे कि हमने उसी पार्ट को पिक कर लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस साइन को पुट कर रखा है। तो श्योरली हमने यहाँ पर वेक्टर ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी ए, यहाँ पर आपको ये पार्ट बताया गया। तो गाइज आज के पार्ट में हम डिस्प्लेसमेंट एंड पोजिशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझ चुके हैं। कल वेक्टर का हम लोगों का सेकेंड पार्ट गाइज स्टार्ट होगा, जिसके थ्रू हम वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर्स के बेसिक कंपोनेंट्स पे वर्क करेंगे। गाइस आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो श्योरली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हम हेल्प कर सकें। फर्दर क्वेरीज के लिए, फर्दर डिटेल्स के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए और ज्यादा मैक्सिमम नॉलेज को अटेन करने के लिए यू कैन विजिट माय द कोचिंग क्लासेस सुपर 90 क्लासेस। श्योरली यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर सेंटर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू क्लास।